हेलो एवरीवन, सब कैसे हैं? तो आज मैं बना रही हूँ दाल। आज बन रही है उड़द मूंग की दाल। थोड़ा सा लाइट ही खाना खाएंगे, रोटी बनेगी। बस मैंने यहाँ पर प्याज कट कर दिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा तड़का। ये हमारा पचरंगा तड़का डालेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ी हींग। थोड़ी सी हींग डालेंगे और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा अनियन, जो हमने चॉप करा था वो नहीं डालेंगे। तब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, मिक्स करेंगे और यहीं पर हम अपना एक टमाटर भी कट करेंगे। तो ये हमारा ऑनियन गार्निश हो गया है, अभी हुआ नहीं थोड़ा सा टाइम लेंगे। हो गया है, बस अब हम इसमें डालेंगे अपने चॉप करेंगे टमाटर। अब हम इसमें स्पाइसी डालेंगे, सॉल्ट, टर्मरिक, कोरिएंडर पाउडर, थोड़ी सी रेड चिली, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा किचन किंग मसाला। बस यही ऐड करेंगे, ज़्यादा कुछ फ्लेवर नहीं डालेंगे क्योंकि मसाला बहुत तेज हो जाता है, लाइट ही मसाला डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे फिर दाल। गाइस ये मैंने भी बोई है मूंग और उड़द, उड़द धुली और मूंग धुली, तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ही क्रीमी क्रीमी बनती है। इसको जब ये बन जाएगी तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनती है। बनी थी, थोड़ा सा हिला लेंगे और थोड़ा सा उसमें रेड कश्मीरी पाउडर डालेंगे। इसको थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर देंगे, बस मिक्स कर। अब हम इसमें डालेंगे पानी, इसमें पानी डालेंगे। अभी थोड़ा सा डालेंगे और लास्ट में इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डालेंगे हम इसमें। से बन के बहुत अच्छी तैयार होगी जब बन जाएगी। मतलब इसमें 3 विसल और सिम में रखनी है 10 मिनट, तब जाके ये थोड़ी उड़द धुली बहुत टाइम लगाती है ना थोड़ा मेल्ट होने में, इसीलिए इसको सिम में रखेंगे। 3 विसल लेके और थोड़ा 5 मिनट सिम में रखेंगे तो फिर गाइस ये बनेगी, तब दिखाएंगे। एंड में यहाँ पर बना रही हूँ थोड़ा सा पास्ता बेटे के लिए, देख सकते हैं जब बनाऊंगी तो आपको दिखाती हूँ। ओके गाइस, तो ये मैं पास्ता बना रही हूँ। थोड़ा ऑयल डाल के और ऑनियन को बारीक बारीक स्लाइस में काट के थोड़ा सा इसको ब्राउन कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मैदा, ये वाइट सॉल्ट पास्ता बना। ये वेजी नहीं खाता, शिमला मिर्च पड़ती है इसमें कलरफुल, बट ये खाता नहीं तो मैंने कहा चलो यही डाल दिया जाए ऑनियन सिर्फ। बस अब इसमें हम डालेंगे, इसको थोड़ा सा हमने भून लिया। अब इसमें हम डालेंगे ये पास्ता, इसमें का एक पास्ता है पैनी पास्ता और एक ये दूसरा वाला पास्ता है स्प्रिंग पास्ता। बस इसको ऐसे हम थोड़ा सा करेंगे, जैसे थोड़ा सा मिल्क डालेंगे अच्छे से बन जाएगा। मिल्क डालेंगे, थोड़ा सा उसमें सॉल्ट डालेंगे
ओनली सॉल्ट डालना है, बाकी कुछ नहीं। थोड़ा सा हम ओरिगैनो भी डालेंगे, हर्ब्स मिक्स हर्ब्स। चिली फ्लेक्स तो ये खाता नहीं है, बट चिली फ्लेक्स नहीं डालेंगे, इसको थोड़ा सा हम पकने देंगे तो उसे डार्क हो जाए। अभी ये थोड़ा सा होने वाला है बस, अब इसमें थोड़ा सा मैंने और रखा होता निकाल के, सारा हर्ब इसमें हम डाल देंगे। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देखिए कि इसको कितना गाढ़ा करना है और नहीं। अब इसमें मिक्स वेजिटेबल्स होते तो बहुत ही अच्छा लगता, बट बेटा खाता नहीं है तो मैंने इसके लिए ऐसे ही बनाया है, ये वाइट सॉस पास्ता। तो ये बन के रेडी हो चुका है, देखिए गाइस। अब हम इसको शार्प कर देंगे थोड़ी सी इसकी प्लेट से, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसमें भी। तो ये मैंने सर्व कर दिया, बाकी थोड़ा सा उसमें मिक्स आप ऊपर से डाल देंगे। और ये हमारा पास्ता रेडी हो चुका है। तो गाइस हमारा पास्ता कैसा बना है, तो इस टेस्टी। तो गाइस हमारी दाल भी बनके कुछ इस तरह तैयार हुई है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी यमी बनी है। ये देखिए गाइस कितनी सुंदर लगी है। बस आप इसको अपने हिसाब से गाढ़ा या पतला कर सकते हैं, बट हम गाढ़ा खाते हैं, थोड़ा सा रोटी के साथ तो हमने ऐसे ही रखी है। ये तो दाल बहुत ही टेस्टी बनी है। सो यम, बाय एवरीवन।